और यून वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो सो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे क्रेजी एक्सवाई जेड उर्फ अमित शर्मा का आर्ट वर्क और ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिर्फ ड्राइंग करेंगे और सेकंड पार्ट में मैं जाऊंगा क्रेजी एक्स वाई जेड के घर पे और उनको जो ड्राइंग है वो गिफ्ट करके आऊँगा तो अभी आप इस वीडियो में सिर्फ ड्राॅइंग देखो कैसी ड्राॅइंग लगी आपको ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना और मैं आप सभी से मिलता हूँ वीडियो के एंड में तो यार अभी करते हैं ड्राॅइंग को स्टार्ट और मैं चारकोल पाउडर ले लूँगा थोड़ा सा बेसिकली चारकोल पाउडर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हेयर्स में ड्रो कर सकूँ तो मैं एक ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा चारकोल पाउडर जो है वो हेयर्स में फिल आउट करूँगा तो मैं चारकोल पाउडर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक रियलिस्टिक लुक आता है चारकोल पाउडर यूज़ करने से मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ भी कर सकता था चारकोल पेंसिल बट उस तरीके से काम नहीं करती चारकोल पेंसिल जिस तरीके से चारकोल पाउडर करता है एक अट्रैक्टिव लुक आता है देखने वाले को भी और मैं इतने बड़े यूट्यूबर का आर्टवर्क बना रहा हूँ तो बेसिकली उनको पसंद आना चाहिए बस मेरा मोटिव यही है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं और बाकी मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है तो लग रहा होगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो अगले स्टेप में जो है मैं जो मोनो ज़ीरो ज़ीरो इरेजर है उससे मैं स्ट्रोक्स डाल दूंगा हेयर्स में तो बेसिकली जो वाइट हेयर्स होते हैं वो एकदम निखर के आते हैं मोनो ज़ीरो ज़ीरो इरेजर से नेक्स्ट पार्ट में मैं एच पेंसिल का यूज़ करके जो हेड है उस पर मैं पूरा शेड कर दूंगा और एकदम पेशेंस के साथ काम करना है ताकि पसंद आए आर्टवर्क सभी को देखने में अच्छा लगे एंड फिर मैं टिश्यू पेपर और ब्रश का यूज़ करके उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा जो मैंने पेंसिल से शेड किया है पूरा तो एकदम रियलिस्टिक लुक निकल के आएगा एंड फिर आगे मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दिया है वीडियो को क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो मैंने आई कैसे ड्रॉ किया है वो मैंने नहीं दिखाया है तो अब अगले स्टेप में जो चीक्स हैं पे मैं एच वी पेंसिल से शेड कर दिया मैंने एकदम स्लोली स्लोली शेड कर रहा हूँ मैं एंड अब जो लेफ़्ट साइड का चीक है उसमें मैं शेड कर रहा हूँ एंड फिर ईयरबड्स की मदद से मैं उसको पूरा ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि एकदम रियलिस्टिक लुक आए जो आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लुक आ रहा है एंड अभी मैं लिप्स में शेड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद बियर्ड्स में करेंगे हम और बियर्ड्स में मैं चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा और एकदम बिल्कुल स्लोली स्लोली काम कर रहा हूँ एकदम पेशेंस के साथ क्योंकि मेरी पूरी उम्मीद यही है कि क्रेजी एक्स वाई जेड को ये आर्ट वर्क पसंद आए तो अब यहाँ पे जो बियर्ड्स हैं मैं उनमें एकदम चारकोल पेंसिल का यूज़ करके पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि चारकोल पेंसिल से एक एक बाल जो है वो निखर के आता है एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं ड्रॉ करूँगा बियर्ड्स ड्रॉ करूंगा जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगी बनने के बाद एक एक जो हेयर है एक एक जो स्ट्रोक है ड्रॉइंग का वो एकदम अलग से लुक देता है पूरा तो यहाँ पे हम वीडियो में ड्राइंग के एकदम लास्ट पार्ट पे पहुँच चुके हैं जो है शर्ट है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो ट्रिम आउट करूँगा बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी में जो मेन चीज़ होती है वो होता है फेस होता है उसमें शेडिंग कैसे होती है एंड सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मैं मानता हूँ वो होता है जो कि मैंने पूरा शो कर दिया है वीडियो में एंड आगे आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं फ्रेम कैसे किया है मैंने स्केच को ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने किसी स्केच को फ्रेम किया है एंड मैं आप सभी से मिलता हूँ एक सेकेंड पार्ट में मिलता हूँ हम इस यूट्यूबर से मिलेंगे एंड इसका रिएक्शन जानेंगे अभी यार मैं मस्त ना के जा रहा हूँ फ्रेम लेने जा रहा हूँ और फ्रेम जो है मैं लेके कर आऊँगा घर पे ही उसको पूरा पैक करूँगा फ्रेम को क्योंकि बार बार ड्राइंग ले जाना लाना थोड़ा डैमेज होने का डर है तो बाकी मैं घर पे ही करूँगा उसको फ्रेमिंग और पूरी वीडियो दिखाऊँगा मैं आपको कैसे फ्रेम वगैरह करता हूँ मैं पहली बार मैं खुद करूँगा फ्रेम ट्राई आई होप सही से हो जाए तो अभी जाते हैं फ्रेम ले आते हैं और फिर आगे मैं दिखाता हूँ क्रेजी एक्स वाई जेड उर्फ अमित शर्मा से मिलना है उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो आप आगे आगे वीडियो में देखो क्या होता है तो हमारा फ्रेम है वो आ चुका है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया फ्रेम को एंड फिर उसके ऊपर मैंने स्केच रख दिया और फिर पीछे से कार्डबोर्ड लगा दिया सपोर्ट के लिए जो हर एक फ्रेम में आता है एंड फिर हम इसके सारे हुक जो है वो बंद कर देंगे और फाइनली हम इस फ्रेम के चारों साइड टेपिंग कर देंगे और टेपिंग होने के बाद जो स्केच है विद फ्रेम वो फाइनली कुछ ऐसा लुक लेता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और फाइनली यार जो आर्ट वर्क था वो कम्प्लीट हो चुका है आई होप आप सभी को आर्ट वर्क पसंद आया होगा और मैं आप सभी से मिलता हूँ सेकेंड पार्ट में उनके घर पर जाएंगे उन्हें गिफ्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट का इंतज़ार करो बस